कुछ है भाई, तो पीछे रहा, पीछे रहा, पीछे ही है। हेरिटेज सिटी श्रीरामपुर, लेट्स बिगिन। और भाई कैसा है? ठीक है भाई, तू बता। सही है, चल भाई घूमने चलते हैं आज। सो हम लोग जा रहे हैं अभी महेश रथ, सो एक्साइटेड एफ। द महेश रथ जो है महेश का फोर्थ रथ, जो 1885 से लेकर अब तक अटूट खड़ा हुआ है। कितना सुंदर है यार, जस्ट लुक एट इट। ये रथ लकड़ी और आयरन का बना हुआ है। ये चार तला का सुंदर रथ 50 फुट और करीबन 136,000 किलो का है। इस रथ में विराजमान होते हैं जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा और इसमें 12 पहिए हैं। श्री चैतन्य ने महेश को नाम दिया था नोबो नीला जोल, यानी न्यू पूरी। पूरी के बाद यही सबसे बड़ा रथ यात्रा माना जाता है। इतना सुंदर है ना यार, दिल छू जाता है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 600 साल पहले श्री कमल का पिपले ने यहाँ ये रथ यात्रा शुरू किया था। सो ये है फेमस महेश का जगन्नाथ मंदिर। सॉरी बट अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सो दिखा नहीं पाया। कितना सुंदर है यार भाई, देख नजर नहीं हटता। Guys, do visit this place. It's awesome. नया गेट बन रहा है यार। आम बागान। यहाँ पे हर टाइप के फ्रूट्स उगते हैं। So nice place to. And the adventure starts. So हम आ गए explore करने the jolkol mart. Wow, damn excited. हर एक secret रास्ता। यहाँ पे पूरा ही जंगल ही जंगल। जगह तो बहुत मस्त है। तू भूल रहा है भाई, तू सिंगल है। यहाँ पे एक रास्ता तो है, अब आगे भी कुछ देखने लायक तो है। सो चलिए देखते हैं। बहुत जंगल है यार, तो देख तो, मस्त जगह है, मज़ा आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ भी बहुत होगा यहाँ पे, बहुत जगह है। चल चल वाओ, यहाँ पे अब तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मछली पकड़ा जाता है। सारा गंगा का पानी है, देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे ये बेसिकली जॉलकॉल है। यहाँ पे गंगा का पानी फिल्टर होता है और हम सबके घर घर में जाता है। सो देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी। सो यहाँ से टेम्पल रन लग रहा है भाई, टेम्पल रन है भाई पूरा। मस्त ही मस्त। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछलियाँ भी है पानी में। भाई तू लेफ्ट जा रहा है। अरे भाई नहीं गिरेंगे, गिरेंगे तो तेरे को साथ में लेके गिरेंगे। ये क्या कोरल्स हैं क्या, ये पूरा पानी में भाई। इतना सुंदर जगह है यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। मेरा फोटो ले ना भाई, मेरा फोन। चल ना रुक जा, कट कर देना प्लीज। वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोजिट आ गए जहाँ पे हम थे। सो यहाँ पे ही मंदिर है छुपा हुआ, हेनरी मार्टिन का पगोड़ा बोलते हैं इसको। हेरिटेज साइट गंगा माँ को रिवील करेंगे।
पानी आता है और यहाँ पे फिल्टर होता है, फिर हम सबके घर घर में पहुँचता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंगा माता और यहाँ पे कचरा फैला रखा है यार, क्या है ये, हट, सुधरना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम अंदर जाके दिखाते हैं, कितना ऑसम है, देखिए पूरा वॉइस इको होता है। हेनरी मार्टिन का पगोड़ा, पढ़ लीजिए भाई, हम अनपढ़ हैं, हमको नहीं आता पढ़ना। सो अभी टाइम है यहाँ से जाने का, सो लेट्स गो। मछली पकड़ रहे हैं, यहाँ पे मछली पकड़ा जाता है, यहाँ पे मछली है यार पानी में, सही है। सनसेट होने ही वाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो पूरा खत्म है भाई, खत्म है। चले यहाँ से, लेट्स गो। नहीं हुआ बहुत ज़्यादा भाई, जगह बहुत सही है ना यार, जब तक सिंगल ना हो आप। सिंगल हो तो क्या ही कर सकते हैं आप, जिंदगी खराब है। रात देखिए गाइस, बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है ये। तो ब्रिज है, तो पीछे ही है। आपको माछ एखाने पावा जाए, माछ पावा जाए, की माछ धरन, ओ रोज आसेन আপনি, কতদিন ধরে আসছেন, দু সপ্তাহ, সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন। এন্ড অফ দ্য জলকল মাট, দেখ সকতে হ্যায় আপ, পৌঁছ গয়ে হ্যায় হাম। यहाँ से सीन देखिए, सनसेट होने वाला, सीन देखिए, सब खेल रहे हैं यार, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। खेलते हैं हम लोग भी, खेल खेल खेल, चल। अब हम आ चुके हैं राधाबल्लभ मंदिर में। आज से करीब 400 साल पहले यहाँ पूजते थे श्री कृष्ण भक्त रुद्र राम। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उनको बोला कि तेरे को गौरे सुल्तान से काला पत्थर लाना है और उससे मूर्तियां तैयार करनी है। रुद्रराम भगवान के आदेश अनुसार पहुंच गए गौरे सुल्तान के पास। अब उन्होंने देखा काला पत्थर बहुत बड़ा था, उसको नहीं लाया जा सकता। कृष्ण ने उनके सपने में आके बोला, तू श्रीरामपुर आ जा, तेरे से पहले काला पत्थर पहुँच जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया और यू नो वाट, उनके आने से पहले राधाबल्लभ घाट में वो काला पत्थर ऑलरेडी पहुंच चुका था, जहां हम जाने वाले हैं अभी राधाबल्लभ घाट में। फिर श्री कृष्ण ने उनको स्वप्न आदेश दिया कि तेरे को इससे तीन मूर्तियां बनानी है, एक राधाबल्लभ, एक श्याम सुंदर जो खरदा में है अभी, और नंदलाल जो कि साइबन रोड में है। वाह, ऑन द वे टू राधाबल्लभ घाट। सो यही है वो घाट जहाँ पर रुद्रराम को काला पत्थर मिला था उनके आने से भी पहले। श्री कृष्ण जी का लीला, इतना सुंदर लीला रचते ना वो, देख सकते कितना सुंदर घाट है। यहीं पे पत्थर आया था, बहुत बड़ा पत्थर था, तीन मूर्तियाँ बनी उससे। बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत हॉन्टिंग एक्टिविटीज चलती रहती है, अब ये सब तो हम नहीं मानते, पर यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि बोला, लोग बोलते हैं हॉन्टेड बिल्डिंग है, कोई टिक नहीं पाता।